बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख 12 दिसंबर को कोहे मामा ज़मीन तिरमिलगिरी के हवाले से जो नाजायज़ कब्ज़ा लिया जा रहा है, इस हवाले से हम वक्फ़ रुजू हुए। यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ कि अक्सर ज़िम्मेदारान मौजूद नहीं हैं, बशमूल चेयरमैन साहब के। अलबत्ता शिया रुकन वक्फ़ बोर्ड मौलाना निसार हुसैन हैदराबाद साहब कबल मौजूद थे और उनसे हमारी कुछ मिनट की बात हुई, लेकिन अफसोस के क़िबला के पास शायद वक्त नहीं था या क़िबला ज़्यादा मसरूफ़ थे, जिसकी बिना पर हम खड़े खड़े ही बात किए क़िबला से। और फिर क़िबला ने तयकुन दिया कि वो आज शाम से पहले पहले तक 3-7 दिन के दरमियान खुद तिरमिलगिरी पहुँचेंगे और उनके हमरा वक्फ़ बोर्ड का अमला भी होगा और वहीं पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहु। आज क्या वक्त दिया गया था आपको वक्फ बोर्ड के आने के लिए? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वक्फ बोर्ड का नहीं, आज तिरमिलगिरी पुलिस स्टेशन जाने का टाइम था 1 बजे का, जहाँ पर 10 तारीख के दिन हमारे हैदर आगा साहब जो है बोले थे कि 1 बजे तिरमिलगिरी पुलिस स्टेशन आएंगे। और वो जो दूसरा बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि उसकी ज़मीन है तिरमिलगिरी पहाड़ के पास, इमाम ज़मीन पहाड़ के पास, वो भी 1 बजे अपने पेपर्स लेके आएगा। अब इस वक्त हम लोग जो है वक्फ बोर्ड ऑफिस आए हैं और जब इत्तला मिली है कि जो है चेयरमैन मसीउल्लाह साहब भी जो है आज मौजूद रहेंगे वहाँ पर तिरमिलगिरी पुलिस स्टेशन में, और साथ ही साथ जो है हमको इत्तला मिली है कि MLC साहब भी वहाँ रहेंगे। यहाँ पर निसार हुसैन हैदर आगा साहब ने हमारे को तयखून दिया है कि 3 बजे 3:30 बजे तक वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे यही गुजारिश है हमारी सबसे कि इस चीज़ को जो है ना इजी ना लिया जाए और यहाँ पर पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज़ की महफूजी के लिए सबको आगे आना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ में जो है 3 उलमा आए हैं यहाँ पर, और जिनको जो है ना जिनके साथ बात करने के लिए भी हमारे रुकन वक्फ बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं था कि वो जो है ना उनको बिठाएं और उनको तयखून दे, उनको बिठाकर बात करें उनके साथ में और जो है उनको समझाएं बुझाएं और अपना जो है ना एजेंडा रखे। ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ कि जाइए आप लोग वहाँ 3 बजे हम लोग जो है सो वहाँ पर आएंगे, 3:30 बजे हम लोग वहाँ पर आएँगे तिरमिलगिरी, वहाँ पर बात करेंगे। अब जाइए आप लोग, हम लोग चेयरमैन भी आ रहे हैं, हम लोग वहाँ पे आएंगे। तो ये किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके का जो है ना ये वो है, आखिर हो क्या रहा है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक जो है ना हमारी शिया जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही तबाह और बर्बाद किया जाएगा। अब जब हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ों को दबाया जाएगा, कब तक? 7-8 तारीख से कोहे मामा ज़मीन की पहाड़ पर जो है नाजायज़ ट्री कटिंग्स और जो है प्लाट्स बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोग वहाँ पे 10 तारीख को पहुँचे, उसका काम रुका है। प्रभाकर नामी एक लैंड ग्रैबर वहाँ पे लैंड ग्रैब कर रहा है, तो हम लोग जाके वहाँ पे एहतजाज करें, रुकाए। वक्फ बोर्ड का अमला भी जो है 9 तारीख को पुलिस कंप्लेंट किया था वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर काम जारी और सारी था। हम लोगों की टीम वहाँ पर जाने के बाद उसका काम रुकाए, JCP वापस पलटाए, फिर पुलिस वालों को तलब किए। वक्फ बोर्ड के शिया रुकन जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए वक्फ ऑडिटर के साथ, और वहाँ पे बात ये हुई पुलिस से और जो है दूसरे वक्फ बोर्ड वालों से और हम लोगों से कि पीर के दिन 1 बजे आए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। जबकि पुलिस के इल्म में है बात ये, पिछले 2-3 साल से कंप्लेनों पर कंप्लेंट आए वक्फ बोर्ड के, क्या आम आदमी की तरह वक्फ बोर्ड भी ऐसा कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? कंप्लेंट दिए, घर में बैठ गए, उसको फॉलोअप नहीं करते। हाँ, 9 तारीख को कंप्लेंट हुआ पर कोई वहाँ पे निगरानकार नहीं है। पिछले 2 साल से हम बोल रहे हैं वहाँ पे कमेटी तश्कील दो, कमेटी तश्कील नहीं दी जा रही है। अब आके हम जो है चेयरमैन साहब से मुलाकात करेंगे कि गलत से आए, क्या आप लोग डॉक्यूमेंट्स निकाले नहीं निकाले? हफ्ते से पीर आया, आज CR रुकन वक्फ बोर्ड से मुलाकात हुई, चेयरमैन साहब को दूसरे प्रोग्राम में हमने मुतालबा किया आप भी वहाँ पर आएँ कोई इमाम ज़मीन की पहाड़ को, तो उन्होंने तयकुन दिया कि मैं भी आ रहा हूँ बोलकर। तो हम अंदर गए हैदर आगा साहब से मुलाकात करने को, चाहिए हमारे साथ 3 आलम-ए-दीन है, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ, तो आप लोग जो है जाइए, जबकि 1 बजे का वक्त तय हुआ, हफ्ते से आज तक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं क्या? आज के दिन आज आपकी 11:30 12 बजे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप? चले ठीक है, 3:30 का टाइम दे रहे हैं आप
किसके इंतज़ार में है पता नहीं, लेकिन अब यह वक्त आ गया है कोई इमाम ज़मीन की पहाड़ का तहफ़ करना। मैंने अभी चेयरमैन साहब से बात की तो उन्होंने कहा यह किसकी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है ना भाई। 83 एकड़ से 71 एकड़ हुए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहा। तो कौम के कायदीन रहबरा, कौम के जो है आम आज़ादार जिसके सवाब सदक़े में हम जी रहे हैं, उनके जो है नाम से मौसूम एक अवकाफ़ी जायदाद का मिसमार किया जा रहा है, हम खामोश जो है सो रहे हैं। तो हमको भी साथ जागना चाहिए, हम जाग के दूसरों को भी जगाने का हमारी मकसद है। अब ये अब कोई इमाम ज़मीन की पहाड़ का तहफ़ करने की हत्या इम्कान कोशिश करें। वक्फ बोर्ड मेम्बर साहब बोल रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, वो सबके साथ हम आएंगे 3:30 को आएंगे। वक्फ बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है, उनके अल्फाज है, होम मिनिस्टर से उनको फ़ोन करेंगे पुलिस वालों को, ये बात समझ से कासिर है। वक्फ बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है, होम मिनिस्टर गवर्नमेंट के 1 बजे आने के टाइम दिए, वही 3:30 का टाइम बोल रहे हैं। क्या है यहाँ पर वही वक्त क्यों टाला समझ में नहीं आ रहा। 1 बजे का वक्त था, 1 बजे पहुँच जाना चाहिए था, हम यहाँ मिलके यहाँ से इनको ले लेके जाएंगे, बल्कि गलत से हम यहाँ आए। 3:30 बोल तो टाइम अगर पास हो गया, उन्हें निकल गया, होम मिनिस्टर साहब से बात कराने। अरे होम मिनिस्टर एक सरकारी होम मिनिस्टर है, वक्फ बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है, गवर्नमेंट सिर्फ निगरानकार है, गवर्नमेंट एक निगरानी रख सकती है, उतना ही काम है गवर्नमेंट का वक्फ एक्ट के तहत। होम मिनिस्टर फ़ोन करेंगे, आपने आप में इख्तियार नहीं है पुलिस से बात करने का, आप लोगों में हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर कहीं को बैठे हुए हैं आप ये ओहदों पर। बहरहाल मेरी शिया मोमिनों से भी गुजारिश है कि आम मुसलमानों से गुजारिश है कि पिछले 8 साल से अवकाफ़ी ज़्यादा जो बर्बाद हो रही हैं हमारी खामोशी की वजह से, हम कब तक खामोश बैठेंगे। हमारे आबा अजदाद जो मकसद से वक्फ करें हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा। इमाम ज़मीन के पहाड़ पे जो है कई बरसों से वहाँ पे कमेटी बनाने का जो है मुतालबा हो रहा है, कई बरसों से वहाँ का सर्वे कराने का जो है सो मुतालबा हो रहा है, लेकिन अब तक कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई है, अब तक कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई है। अब यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं तो देख रहे हैं कि गाड़ी आई है हमारे चेयरमैन साहब की, मसीहुल्लाह साहब की, तो फिर हम जाएंगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना उनके पास वक्त रहता है हमारे से मिलने का या नहीं रहता है, या फिर जो है ना हमारी पूरी वक्त की लैंड्स पूरी ख़त्म होने के बाद वो टाइम देंगे हमारे को मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, ये हमको देखना है। बस यही कहना चाहूँगा, आली मदद लब्बाई क्या हुसैन।